आप सबको मेरा नमस्कार। वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे रसकदम। रसकदम बनाने के लिए मैंने दूध लिया है, यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है, मीन्स 500 ml दूध लिया है। इसे मैं अच्छे से उकालूंगी, उबालूंगी। जैसे जैसे दूध उबलने लगेगा वैसे वैसे फटा हुआ जो दूध था वो अच्छे से उनके क्लंप बन जाएंगे। अब हम इसमें नींबू का रस से ऐड करेंगे ताकि जितना दूध का जो मावा टाइप है, छेना है, वो हमारे पास आ सके। हमारा जो छेना है वो अलग हो जाएगा, वो पानी पानी अलग हो जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे और एक बार वॉश कर लेंगे। इस टाइप से मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मस लेंगे, मिक्स करेंगे। और मैंने इसे थोड़ा सा अरारोट मिलाया है, इसे हम अच्छे से चिकना करेंगे। इस टाइप से हम इसे मस लेंगे, मैश करना है अच्छे से। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं। इस टाइप से हमारा जो छेना था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ज़्यादा सूख गया हो तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब इसमें डाला मैंने फूड कलर, यहाँ मैंने 1 pinch फूड कलर ऐड किया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो कलर आ सके। इस तरह से आप देख सकते हैं कलर आ चुका है। तब हम इसे अच्छे से एक बंद बना लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो बहुत छोटी गोलियां लेंगे। इस टाइप से मैंने सभी छोटी छोटी गोलियां रेडी कर ली है। अब मैं चाशनी के लिए शक्कर और पानी ऐड करूंगी और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूंगी। इस टाइप से मेरी एक तार वाली चाशनी रेडी हो जाएगी। जब ये उकल जाएगी तब इसमें हम छोटी छोटी गोलियां जो हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। इस टाइप से हम डाल देंगे और फिर इन्हें 10 मिनट तक रहने देंगे ताकि जो चाशनी है गोलियों के अंदर चले जाए, बॉल्स के अंदर चले जाए। आप देख सकते हैं इस साइड से हमारी गोलियां पक जाएगी। अब हम इसे चाशनी से अलग कर लेंगे। अब इनकी कोटिंग के लिए एक बाउल लेंगे, शक्कर ऐड करेंगे। यहाँ पीसी भी शक्कर ली है मैंने। अब इसमें कोकोनट का जो बूरा आता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने आधी चम्मच मलाई ऐड की है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना के बीच में से डिप करूँगी।